हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए पुस्तक व लेखक से टॉप 80 वन लाइनर क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, पिछले 6 महीने का ये करंट अफेयर है, यानी कि अगस्त 2020 से जनवरी 2021 तक अपडेटेड क्वेश्चन है ये, और सारे ही क्वेश्चन आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक बाहान मास्टर क्लास के लेखक कौन है? आंसर इसका अल्फ्रेडो कोवेली। दोस्तों, ये पुस्तक भगवान गणेश की कहानी पर आधारित है, जो ब्रह्मांड के चारों ओर सभी महान कारनामों में उनका साथ देने के लिए एक नए वाहन की तलाश करते हैं। याद रखिएगा, इस बुक का नाम है बाहान मास्टर क्लास और इसके लेखक हैं अल्फ्रेडो कोवेली। नेक्स्ट है पुस्तक जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ द मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर है रामचंद्र गुहा। राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? राइट आंसर रहेगा इसका आर गिरिधर। पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया किसने लिखी है? राइट आंसर इसका आर कौशिक। बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखी है? राइट आंसर है एस वाई कुरेशी। याद रखिएगा, एस वाई कुरेशी ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट किताब है मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालयन इको, पुस्तक लॉन्च हुई, इसके राइटर कौन है? राइट आंसर है कौन सम हिमालय सिंह। दोस्तों, बुक में दुनिया के सबसे सशस्त्र बलों में से एक की श्रेष्ठ कमान का सार एवं अनिवार्यता के बारे में बताया गया है। बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन द लाइफ एंड सिनेमा किसने लिखी है? राइट आंसर है विधु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी। बुक प्रेगनेंसी बाइबल किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान ने। बुक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों शक्ति सिन्हा। पुस्तक डैडी मैन ए पर्सनल गाइड टू बीइंग अ गुड डैड किसने लिखी है? इसके राइटर हैं दोस्तों क्रेग बॉल कॉम। ओह मिजोरम पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर है पी एस श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों, पी एस श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में मिजोरम राज्य के गवर्नर हैं और इस बुक को विमोचित किया हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा माधव भंडारी। बुक बैलेंस द सीक्रेट टू ट्रू हेल्थ एंड हैप्पीनेस इन 13 डेज किसने लिखी है? राइट आंसर है डियाना पांडे। बुक सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों, इस बुक के राइटर हैं कैरोलिना या गाका। उबेद नसीर, दोस्तों ये बुक का नाम है उबेद नसीर, पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके राइटर कौन है? आंसर है अभी बसु। किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल से एक नई पुस्तक को जारी किया? आंसर है ADB, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, ये बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम में आर्थिक विकास में तेजी लाने एवं COVID-19 से उभरने में प्रकाश ये डालती है। बुक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और दोस्तों, इस किताब को लिखा है डॉक्टर ए शिव थानु पिल्लई ने। ए वॉक अराउंड द ब्लॉक पुस्तक लॉन्च हुई, इसके लेखक कौन है? आंसर है स्पाइक कार्लसेन। द न्यू नॉर्मल आर रोड मैप टू रेसिलेंस इन द पेंडेमिक इरा पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है डॉक्टर जेनिफर एस्टन।
द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817 टू 1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। ये पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है चिन्मय तुम्बे। नेक्स्ट है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद पुस्तक लॉन्च हुई, ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। धर्मा पुस्तक किसने लिखी? आंसर है भावना रॉय एवं अमीश ने। रोमांसिंग टारगेट नामक पुस्तक लॉन्च हुई, ये किसने लिखी? आंसर है निधि भाडेरा। योगा ऑल्सो फॉर द गॉडलेस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है श्री एम। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई, ये किताब किसने लिखी है? तो दोस्तों इस किताब को संयुक्त रूप से लिखा है नंदन नीलकानी और तनुज भोजवानी ने। टू विन योर बैटल्स स्टे अलाइव पुस्तक लॉन्च हुई, इसके राइटर कौन है? आंसर है अनीता पीटर। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक लॉन्च हुई, ये किताब किसने लिखी है? राइट आंसर इसका कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की ये पुस्तक है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान का विमोचन, जो कि एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। किसने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक को लॉन्च किया? राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है और इसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। याद रखिएगा इसके राइटर इम्पोर्टेंट हैं, इसके राइटर हैं कृपाल सिंह जी। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। और दोस्तों इसका लेखन यानी कि इसके राइटर है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। पुस्तक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है टी बंदोपाध्याय। दोस्तों याद रखिएगा इनका पूरा नाम है तमाल बंदोपाध्याय। बुक टिल वी विन किसने लिखी? आंसर है रणदीप गुलेरिया। भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एवं आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयास पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है जिसका नाम है टिल वी विन और इसके राइटर हैं रणदीप गुलेरिया। बुक अवास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेस ऑफ रामायण किसने लिखी है? राइट आंसर है रल्ला वंदी श्री राम चक्रधर। हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक किस लिखने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा इस बुक का नाम, इसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड और इसे लिखा है अभिजीता गुप्ता ने। दोस्तों याद रखिएगा अभिजीता गुप्ता द्वारा लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है अभिजीता गुप्ता। अभिजीता गुप्ता को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। राजसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर नामक उपन्यास किसने लिखा है? आंसर है ससिंद्रन कल्लीकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर बेस्ट डे इज टुडे, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों, योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक को किसने लिखा? आंसर है अनुपम खेर, भारतीय अभिनेता अनुपम खेर ने। किसने माझी भीत नामक पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है राजेंद्र डर्डा। याद रखिएगा दोस्तों ये बुक जिसका नाम है माझी भीत और हिंदी में मेरा मेरी दीवार। दोस्तों राजेंद्र जी महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अगली बुक है पुस्तक हाउ टू बी अ राइटर किसने लिखी है? आंसर है दोस्तों प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड जी को। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? दोस्तों संयुक्त रूप से ये बुक को लिखा गया है, ये बुक है सोनू सूद की और इसे इसका सह लेखन किया है मीना अय्यर ने। इस बुक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभवों को साझा किया गया है। प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है दोस्तों बोसकियाना। याद रखिएगा बोसकियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है। दोस्तों गुलजार जी कौन है? तो याद रखिएगा प्रसिद्ध भारतीय कवि गीतकार हैं गुलजार जी।
और यशवंत व्यास द्वारा इसका इसे संपादित और संकलित किया गया है। बुक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन हैं? आंसर है चित्रा बैनर्जी। द लास्ट क्वीन रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है रामचंद्र गुहा। बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन हैं? आंसर है विनय सीतापति। बुक इंडियन आइकन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड के लेखक कौन हैं? आंसर है अमृत राज। पुस्तक ऑन द मूव माई जर्नी एस अ रिलेंटलेस एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन हैं? आंसर है हरि खेमका। बुक 26/11 ब्रेव हार्ट माई एनकाउंटर विथ टेररिस्ट दैट नाइट के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है प्रवीण कुमार टेयोटिया। बुक द खालिस्तान कॉन्स्परेंसी के लेखक कौन हैं? आंसर है GBS सिद्धू। दोस्तों रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं GBS सिद्धू। सी इज फॉर कैट डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है कायरवी भरतराम। ये बुक खासकर छोटे बच्चों के लिए है। इसमें निराशा की कहानियों को साहस एवं धैर्य के साथ बताया गया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है शशि थरूर। इस बुक में राष्ट्रवाद के सिद्धांत विकास अभ्यास का वर्णन है। किताब द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स किसने लिखी है? आंसर है आनंद नीलकांतन। बुक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है हमारे केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और दोस्तों इस किताब को लिखा है पद्म पाणी बोरा ने। किसने? पद्म पाणी बोरा। बुक अनफिनिश्ड किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर है एन के सिंह यानी कि नंद किशोर सिंह। दोस्तों नंद किशोर सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन द फॉरगेटन एग्रीमेंट के लेखक कौन हैं? आंसर है प्रियंक तेलेसरा। ब्रिगू एंड द प्लेस ऑफ मिरर्स के लेखक कौन हैं? आंसर है सुमित्रा राणा डे। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर है जाने माने भारतीय सैफ विकास खन्ना द्वारा। दोस्तों विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए भी चुना गया है। विकास खन्ना एक भारतीय सैफ हैं। बुक वॉइसिस ऑफ डिसेंट किसने लिखी? आंसर है रोमिला थापर। बुक ए प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और इस बुक को लिखा है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? आंसर है दोस्तों इसका भारतीय फिल्म निर्माता करण जौहर। ये बुक जुड़वा बच्चों की परवरिश पर आधारित है। लेट अस ड्रीम किसने लिखी? राइट आंसर है पोप फ्रांसिस। इस बुक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। बुक ब्रेकिंग द कुकून एट 14 किसने लिखी है? आंसर है राधा नायर। बुक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी? राइट आंसर है गौरी खान। दोस्तों गौरी खान अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी हैं। इस बुक में गौरी खान ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताया है। पुस्तक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? आंसर है इश्तियाक अहमद। दोस्तों स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के हैं ये विख्यात लेखक जिनका नाम है इश्तियाक अहमद। ये बुक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है अरुंधति रॉय। बुक क्रिकेट ड्रोना किसने लिखी है? आंसर है आनंद बासु। दोस्तों आनंद बासु ये प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार हैं और ये बुक प्रसिद्ध कोच बासुदेव जगन्नाथ पराजंपे पर आधारित है। बुक
नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर है हमारे भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने। ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है मैथ्यू मैघोनाघी। दोस्तों ग्रीन लाइट्स ये इनकी आत्मकथा है मैथ्यू मैघोनाघी की। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है बिरल आचार्य। दोस्तों आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं बिरल आचार्य। पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर है दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और ये बुक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने लिखी है। विशेष कोड टू विन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर रहेगा इसका निरुपमा यादव। दोस्तों निरुपमा यादव ये एक स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? आंसर है यतीश यादव। ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस बुक को लॉन्च किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है नीना रॉय। ये बुक शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी है? आंसर है योगेंद्र यादव। नेक्स्ट है कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, और ये पुस्तक वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है। अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? आंसर है दलाई लामा। पुस्तक कोरोना कविता काल के लेखक कौन हैं? सही आंसर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। पुस्तक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020 किसने लिखी है? आंसर है अर्जुन सुब्रमण्यम। ये एक सेवा निर्मित एयर बॉयस मार्शल हैं। किसने इंडिया टुमारो कन्वर्जन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक को लिखा है? आंसर है प्रदीप झिब्बर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? आंसर है चेतन भगत। हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसने लिखी है? आंसर है श्री अय्यर। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? आंसर है सुधा मूर्ति। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ ए अनकन्वेंशनल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है तेंजिन प्रियदर्शी। नया उपन्यास जिसका नाम है द एंड गेम के लेखक कौन है? आंसर है हुसैन जैदी। दोस्तों ये एक क्रिमिनल राइटर है, यानी कि ये क्रिमिनल क्राइम जगत से जुड़े हुए नोवेल लिखते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।